आज मैं दो सिलाई से गोल गला बनाना सिखाऊंगी। ये फ्रंट पल्ला है, सामने वाला पल्ला है ये, और ये बैक पल्ला है। जब हम दो सिलाई से हम गला निकालते हैं, तब हम क्या करना है कि जैसे हम ये दो हिस्सा छोड़ देते हैं ये शोल्डर के लिए, एक शोल्डर को पीठ इसके पीठ पल्ला के साथ कटाना है, एक को ऐसा खुला छोड़ना है, तब जाके हम गोल गला बना पाएंगे। अब देखना, मैं ये एक साइड से मैं ये कटा देती हूँ। कटाने के लिए हम ये दोनों इस हिस्से को पकड़ लेते हैं, दोनों सिलाई को एक साथ। अब एक फंदा यहाँ से लेते हैं और एक फंदा यहाँ से लेते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेते हैं। ये ऐसे एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से और ऐसे बुन लेते हैं और इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। एक फंदा यहाँ से कट गया और ऐसे और ऐसे लेना है दोनों सिलाई से एक एक फंदा, इसको ऐसे कटाते जाना है ऐसे। दो सिलाई से बनाते समय एक साइड से छोड़ना पड़ता है, बाद में फिर लास्ट में उन दोनों को कटाना पड़ता है। जब हम चार सिलाई से गला निकालते हैं, गला बनाते हैं, तब हमें दोनों शोल्डर को पहले बंद करना पड़ता है। एक साइड से हमने कटा दिया ऐसे, अब दूसरे साइड से ये खुला रहेगा ऐसे। इस साइड से मैंने यह धागा में बांध के रखा है शोल्डर का जो फंदे हैं, अब इस साइड से भी ये धागा में निकाल के रखना पड़ेगा जितना हमारा शोल्डर का है, तब जाके हम गोल गला का फंदे उठाएंगे। ये देखो मैंने यहाँ से कटा दिया ये, और इस साइड से मैंने ये धागा में पिरो के रखा है जितने जितने फंदे हैं। मैंने यहाँ पे 17 17 फंदे रखे हैं, मेरा ये बेबी सेट है, 1 साल तक के बच्चे के लिए ये। अब मैं ये गोल गला के लिए यहाँ पे फंदे, बच्चे के लिए थोड़ा खुला डुला होना चाहिए, इसलिए मैं 80 से 90 के बीच में फंदे उठाऊंगी। अब मैं दो सिलाई में कैसे बनाते हैं बताती हूँ, एक बार फंदे उठा लेती हूँ। ये देखो मैंने फंदे उठा दिए, मैंने 80 फंदे उठाए हैं, 80। यहाँ बीच में हम गोल गला बनाते समय बीच में हम एक साथ 10 12 जो भी है कटाते हैं, मैंने इसमें 10 कटाया था, 10 कटाया था, उसके बाद एक एक दो दो जो कटाते हैं आरे परे से वो कटाया था। अब मैंने यहाँ बीच में जो था 10 5 5 करके दोनों साइड से मैंने 28 और 28 फंदे बढ़ाए हैं, एक साइड इस साइड से और एक साइड इस साइड से 28 28, और जो बचा हुआ है वो मैंने पीछे पूरा कर दिया है, पूरा 80 फंदे हो गया है ये ऐसे। ये 80 फंदे हैं देखो, एक ही सिलाई में मैंने उठा के तैयार कर दिया। अब इसमें इसको मैं बॉर्डर बनाऊंगी जैसे यहाँ बनाया है ये वाला बॉर्डर। दो सिलाई से मैंने गला निकाल दिया देखो, और ये सुई से भी कटा दिया मैंने ये गला। ये मैं अलग से वीडियो बना के डालूँगी।
अब इसको हम कटाएंगे, जो यहाँ पे ये छोड़ा हुआ है, ये इस साइड से भी धागा धागा लगा के रखा है और इस साइड से भी धागा लगा के रखा है, और ये सिलाई में निकालूंगी और इसको कटा के अभी दिखाती हूँ। ये मैंने दो सिलाई में लगा दिया है, अब मैं ये आपको कटा के दिखाती हूँ। कटाना तो वैसे ही है जैसे दो सिलाई में लगाया हुआ है, और तो एक यहाँ से दो दो फंदे लेके कटाना है। अब मैंने यहाँ से कटा दिया, और यहाँ से तो पहले ही कटाया हुआ था। अब ये यहाँ से ये दो सिलाई से बनाते समय ये रह जाता है, ये छूट जाता है, जैसे ये गैप आ जाता है, इसको आप सुई से सिल देना, मैं भी सिल के बताती हूँ। ये गोल गला बन गया, बहुत ही प्यारा गला बना है। ये गला बन के भी तैयार हो गया, और ये सेट को मैंने जोड़ जाड़ के तैयार कर दिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ये डिज़ाइन मैंने अपने उसमें डाला हुआ वीडियो, अगर आपने लगाना होगा तो। और ये इस सेट के साथ ये टोपी बनाया मैंने, टोपी ये टोपी मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है, और ये पुट्टू बनाया है बच्चे के लिए। देखो कितना प्यारा सेट है।